वेलकम टू माय ब्लॉग। आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है और आज हम जाने वाले हैं एक तगड़ी जगह, तो चलते भी दिखाते हैं चलते आप सभी को। जय श्री राम। ये देखिए हमारे लखनऊ में कितनी अच्छी सजावट की गई है और बहुत ही प्यारा लग रहा है ये दृश्य देख के, बहुत ही सुंदर। हर तिराहा या चौराहा सजाया गया है। जय श्री राम। लो जय श्री राम। ये देखिए गाइस, हर जगह जश्न मनाया जा रहा है श्री राम प्रभु का। आज मंदिर का उद्घाटन है। ये देखिए गाइस कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए गाइस कलश यात्रा निकल रही है। बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। ये देखिए रोड है, घर है, सब भगवामय हो गए हैं सब। ये देखिए भगवा ध्वज लहरा रहे हैं जय श्री राम प्रभु का। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है आज और उसी के लिए ये इतनी सब सजावट की जा रही है। ये व्लॉग तो आप काफ़ी लेट देख रहे हैं क्योंकि हम थोड़ा बाहर थे, बिजी थे, तो उस चक्कर में व्लॉग एडिट नहीं कर पाए। तो आज जब फ्री हुए हैं तुमने व्लॉग एडिट करके डाल दिया, तो सॉरी गाइस, अभी सब ब्लॉग आपको टाइम पे मिलेंगे। अब ब्लॉग मेरे आप शाम को 6 बजे आ जाया करेंगे। ये देखिए जय श्री राम सब। अभी हम लोग जा रहे हैं, एक मंदिर है उसकी आज नींव रखी जाएगी, बहुत पुराना मंदिर है मतलब, तो वो बनने जा रहा है, तो वहीं हम लोग जा रहे हैं। और अभी चलते हैं, आप सभी को दिखाते हैं चल के। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे दृश्य बनाए गए हैं इस पे रोड के किनारे। ये देखिए, तो अभी हम आ चुके हैं हाईवे पे। हाईवे पे देखिए चारों तरफ आपको भगवा कलर के झंडे होंगे जय श्री राम प्रभु के, और बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा लखनऊ सजाया गया था। ये देखिए हर लाइट पे झंडे लगे हुए हैं, लाइट लगी हुई है, बहुत अच्छी सजावट की है। और जैसे कि आप लोगों ने अपने घर को भी सजाया था, इसी तरीके से पूरा लखनऊ जगमगा गया है भगवा कलर से, और बहुत ही सुंदर लग रहा है ये दृश्य देखकर। ये देखिए गेट टाइप के बनाए गए हैं, इस पर लिखा है जय श्री राम, स्वागत है आपका। ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। और हर खंभे पे देखिए झंडा लगा है और श्री राम प्रभु की मूर्ति टाइप के बनाए गए हैं, पोस्टर लगे हुए हैं। ये देखिए सब भगवा कलर के झंडे लगे हुए हैं, पूरी लखनऊ को भगवामय कर दिया गया है। ये सब देख के बहुत अच्छा लगता है कि हमारे प्रभु श्री राम प्रभु के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा है मंदिर की। और उद्घाटन ये देखिए, ये BVD यूनिवर्सिटी का है, सब भगवा कलर के झंडे लगे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे तो बलून से बिल्कुल सजाया गया है। ये देखिए और हर जगह पर तिराहा चौराहा पे भंडारे की सुविधा कराई गई है, हर कोई अपना भंडारा कर रहा है, जिससे जो हो पा रहा है वो अपना कर रहा है। अरे गाइस खोपड़ी लड़ाई देती है गाइस, ये किसान पतवाला है। नाली टाइप खेल के बनाई जाती है ना। अरे गाइस अभी रुद्राभिषेक हो चुका है। ये देखिए हमारे शिव जी का मंदिर बन रहा है यहाँ पे, इसी उद्घाटन में हम लोग आए थे। ये नींव भी रखी जाएगी और कथा भी चल रही है, और ये हमारी सिस्टर लोग पूजा कर रही हैं। ये देखिए, और ये मेरी मौली शेर, ये हमारी दीदी हैं, और ये हमारी काजल सिस्टर हैं। ये देखो हमारी भांजी को भी आशीर्वाद दिला रही हैं। अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं। ये देखिए नाग देवता आ चुके हैं क्योंकि भोलेनाथ का मंदिर बन रहा है और रुद्राभिषेक भी हो चुका है, तो ये तो आएंगे ही। रामायण चल रही है वहाँ पे, नाग नागिन दोनों हैं, तो नाग देवता अंदर हैं, नागिन घर में अंदर हैं इनके,
और ये किसी को काट भी नहीं रहे, किसी से दौड़ भी नहीं रही है, आराम से वहीं उसी तरफ मंदिर की तरफ देख रहे हैं। और हम लोग यहाँ पे मतलब काफ़ी लोग भीड़ भी लग चुकी, तो हम सबसे बोल रहे हैं कि मतलब अपने चल हट जाओ यहाँ से, वो जिधर चल जाना चाहेंगे चले जाएंगे, तो चलो हम भी यहाँ से निकलते अभी। चलिए गाइस, बोलिए गाइस, आओ ब्लॉग में आओ जल्दी, हेलो करो, हेलो करो, हेलो करो, हेलो करो, बोलो जय श्री राम, नहीं बोलिए जाओ। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं खेत, ये देखिए फूल हैं, अच्छे अच्छे फूल हैं यहाँ। और अभी हम लोगों को जाना भी है तो वहाँ भी चलेंगे, तब तक के लिए देखिए ये सब लोग आए हैं। तो हम लोग आए हैं अपनी लवी दीदी के गांव, और ये उनके खेत में गेंदे के फूल हैं, फूलों की खेती हो रही है यहाँ पे। ये सिस्टर लोग देखिए अंदर सेल्फी वीडियो सब हो रहा है, यहाँ शूटिंग चल रही है। हम भी अपना ब्लॉग बना रहे हैं, अभी यहाँ से निकलेंगे थोड़ी देर में। ये देखिए सिस्टर हमारी वीडियो बना रही हैं भांजी के साथ। ये हमारी मौली भी जा रही है, ये दीदी हैं। तो हम लोग आ चुके हैं, यहीं आना था, सुबह ही आ गए थे हम लोग। यहाँ है भोले बाग का मंदिर का आज उद्घाटन, मतलब रुद्राभिषेक था, नींव रखी जाएगी, आज से बनना स्टार्ट होगा यहाँ पे। तो रामायण हो रही है, अभी रुद्राभिषेक हो चुका है। ये देखिए हमारे भोले बाग का मंदिर, ये देखिए भोले बाग का मंदिर बन रहा है यहाँ पे। ये इतनी जगह पड़ी है, यहाँ सब भोले बाग का मंदिर ही बनेगा। ये देखिए हमारे भोलेनाथ का मंदिर यहाँ पे बनेगा, और यहाँ पे देखिए रामायण चल रही है। ये देखिए यहाँ पे रामायण चल रही है, यहाँ पे सिस्टर लोग आए हैं सब लोग। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, थोड़ी देर में निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं फिर लखनऊ। तो हम लोग जा रहे हैं वापस, और ये देखिए हमारी नदी है, कितनी अच्छी नदी, ये देखिए। और अब हम लोग जा रहे हैं वापस लखनऊ। ये देखिए यहाँ पे प्रभु श्री राम का भंडारा चल रहा है, ये देखिए प्रसाद वितरित हो रहा है, काफ़ी लोग आए हैं यहाँ, भीड़ भी काफ़ी है। ये देखिए यहाँ पे भी श्री राम प्रभु का भंडारा चल रहा है, ये देखिए लोगों में इतनी खुशी है कि कुछ पूछो ही ना। यहाँ पे लोग अपने दीपक जला रहे हैं, मतलब दीप जला रहे हैं, ये सब देख के बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, ये देखिए हमने अपने ढाबे के पास मोमबत्ती जलाई है, ये देखिए। भगवान श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और आशा करते हैं कि आपका ये साल मंगलमय हो। इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं समाप्त, मिलते हैं अगले न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।